ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए, कोरोना वायरस संक्रमण पर जीबी पंत अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडे से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर संजय, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, धीरे धीरे देश में कोविड के मामले काफी कम हो रहे हैं लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। आप कोविड की मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? सबसे सुखद स्थिति यह है कि आज हम देख रहे हैं कि 1,30,000 या 1,35,000 के आसपास केस आ रहे हैं, तो यह कह सकते हैं कि 60-70% की गिरावट एक बहुत ही सुखद लक्षण है। लेकिन यह हमें इस तरफ भी इशारा करता है कि हमें इससे सीख लेने की जरूरत है और यह देखने की जरूरत है कि हमने जो लापरवाही की थी फरवरी मार्च के महीने में, या तो पर्व त्योहार की वजह से या फेस्टिवल की वजह से या जिसकी वजह से भी, उस लापरवाही को दोबारा ना करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें ताकि दोबारा इस तरह की स्थिति का हम सामना न करें। डॉक्टर संजय, आपका न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड लोगों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की समस्या आ रही है, कई लोगों में नींद आने की भी शिकायत है, हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड के बाद एक पोस्ट कोविड स्ट्रेस, एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप, ये सिम्टम काफी ज्यादा है और इस बार तो काफी ज्यादा, और पेशेंट में ही नहीं उनके जो केयर गिवर्स हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या ये कॉमन सिटीजन, उसमें भी काफी ये देखने को मिल रहा है कि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस या नींद नहीं आना। तो इसके लिए जो सबसे जो जरूरी उपाय है कि निगेटिव न्यूज ना पढ़ें, निगेटिव जो खबरें हैं उससे बनाने की कोशिश करें। कई बार ये मुश्किल होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन जितना हो सके उतना कोशिश करें कि निगेटिव न्यूज से अपना ध्यान हटाएं और पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दें, और ये मान के चलें कि एक टेम्पररी फेज है, चला जाएगा और इससे जाने के बाद फिर बेहतर दिन आएंगे। तो इस तरह की एक सोच और इस तरह की विचारधारा के साथ हम इस पर काबू पा सकते हैं। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके सिम्टम काफी सीवियर हैं तो इसमें चिकित्सीय सलाह लेना भी न भूलें। और यह भी काफी जरूरी है कि परिवार के सदस्य या जो आपस में मित्रगण हैं वो आपस में चीजों को शेयर करें और पॉजिटिव चीजें शेयर करें, नेगेटिव चीजें ना शेयर करें। डॉक्टर संजय, जैसे कि आम बीमारियां और कोविड में शायद यही अंतर है कि इतनी ज्यादा ये इन्फेक्शियस डिजीज है कि लोगों को अकेले रहना पड़ता है, जब हम आइसोलेशन में रहते हैं, अगर हम देखें तो आम तौर पर बीमार हो जाने पर अस्पताल में बहुत सारे लोग हमें देखने आते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, घर में परिजन हमारे साथ रहते हैं, हमारी सेवा करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक एकांतवास में, आइसोलेशन में हमें रहना पड़ता है, अपनों से दूर बीमार रहते हुए अस्पताल में या घर में, ये क्या एक बड़ी वजह बनती है डिप्रेशन की, या एक उनके अंदर एक इसको लेके तनाव और डर का माहौल पैदा करता है? यह बिल्कुल सही है, और खासकर ऐसे ग्रुप में जैसे एल्डरलीज में, कि अगर हम उनको आइसोलेशन में रखते हैं काफी प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, तो जैसे आपने बताया कि बाकी बीमारियों में कई लोग आते हैं, देखते हैं, मरीज के साथ थोड़ी सहानुभूति रखते हैं, और अगर मान लीजिए मरीज को कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसके बगल में बैठकर पूरा कर सकते हैं। लेकिन कोविड में सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि पेशेंट आइसोलेशन में चला जाता है, वो बीमार होने के बावजूद परिवार वालों से मिल नहीं पाता, फोन से बात तो कर सकता है बट उसके भी अपना एक लिमिटेशन कह लीजिए है। जी बिल्कुल। तो इस परिस्थिति में सबसे जो जरूरी है कि अभी कई जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि अगर मरीज को 3 दिनों तक बुखार ना हो और सिम्टम से 10 दिन बीत जाए तो मरीजों को आइसोलेशन में रहने की जरूरत नहीं है, तो आइसोलेशन की अवधि को कम किया गया है, जो 14 दिन था पहले उसको 10 दिन किया गया है, कि अगर पेशेंट के सिम्टम ठीक है, 3 दिन से फीवर नहीं आ रहा है और सिम्टम को 10 दिन हो गए हैं तो आप उसका आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए की गई है कि हम आइसोलेशन को प्रोलॉन्ग न करें, प्रोलॉन्ग आइसोलेशन से इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या इस तरह की जो हमने बात की डिप्रेशन, एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप, ये ज्यादा होती है। और डॉक्टर संजय, हमारे श्रोता ने जानना चाहा है कि पोस्ट कोविड डिमेंशिया या याददाश्त कम हो जाने की समस्या भी कुछ लोगों में, विशेषकर बुजुर्गों में देखी गई है, इसका क्या कारण है? देखिए, कई बार क्या होता है कि हम उसको, जैसे पेशेंट में डिमेंशिया के लक्षण तो होते हैं लेकिन उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि लक्षण काफी मामूली होते हैं, या दूसरा एक कारण हो सकता है कि कई जो बुजुर्ग हैं उनमें ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की प्रॉब्लम है और कोविड के समय बढ़ जाती है,
तो उसकी वजह से कई बार जब ब्लड प्रेशर डायबिटीज की प्रॉब्लम अनियंत्रित होती है तो कई बार ब्रेन में छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं जिसकी वजह से डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम वास्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। तो कई कारण हो सकते हैं, और एक तीसरा कारण जो अभी हम चर्चा कर रहे थे आइसोलेशन, तो आइसोलेशन की वजह से अगर डिप्रेशन हो तो उसमें भी कई बार पेशेंट को सुडो डिमेंशिया हो जाता है, जैसे लक्षण डिमेंशिया के हैं लेकिन वो डिप्रेशन की वजह से है। तो अगर इस तरह के कोई भी लक्षण दिखे मरीज में तो बेहतर है कि आप अपने चिकित्सक के पास जाएं, और अगर ये सुडो डिमेंशिया है या वास्कुलर डिमेंशिया है तो इसका इलाज करके इस पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। और डॉक्टर संजय, इस समय तरह तरह की, जैसे कि हम डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं आपसे, तरह तरह की एज ग्रुप भी दिखाई दे रहे हैं, जिस न सिर्फ एक बुजुर्गों की समस्या है बल्कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो कोविड की इतने बड़े लॉकडाउन के समय बहुत समय से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत समय से अपने घर से निकले नहीं है, बच्चे एक एक साल हो गए उन्हें स्कूल नहीं गए, सबकी जो दिनचर्या थी वो एकदम बदल गई है, तो ऐसे में कुछ न कुछ तनाव, कुछ न कुछ ऐसी चीजें, तो लोग कैसे इस चीज को कम करें, कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या बच्चे घर में ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब हम ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, क्लासेस करते हैं, तो अपने कलीग से या अपने जो स्टूडेंट्स हैं या ऑफिस के जो कलीग्स हैं उनसे हम चीजों को शेयर करते हैं, तो उससे हमारा स्ट्रेस काफी कम हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम ऑनलाइन क्लासेस तो कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, लेकिन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं, और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे शेयर करना और आमने सामने बैठकर शेयर करना, दोनों में फर्क होता है, और यह काफी लंबा चल गया है। आपने देखा कि पूरा का पूरा 2020 और अब 2021 ऑलमोस्ट 6 महीने निकलने वाले हैं, तो जितना लंबा खींच रहा है उतनी ज्यादा बेसिकली आइसोलेशन या एंजाइटी या जो मानसिक इसका पहलू है ये बढ़ रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ रही है वैसे वैसे एक उम्मीद की किरण सी जग रही है कि शायद यह आखिरी वेव हो कोरोना का और अगले कुछ महीनों में हम कोरोना पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लें। और डॉक्टर संजय, हमारे एक श्रोता ने ईमेल से ये जानना चाहा है कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी टेस्ट का ना आना और स्मेल का ना आना, ये एक बड़ी समस्या रहती है कोविड के केसेस में, पर आमतौर पर कितने दिनों में ये वापस आ जानी चाहिए, और अगर प्रोलॉन्ग होती है तो कितना समय लग सकता है ज्यादा से ज्यादा? देखिए, कोरोना में टेस्ट चला जाना और स्मेल चला जाना एक काफी शुरुआती लक्षण होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट तो ठीक हो गया, खांसी चला गया, बुखार चला गया, लेकिन उसकी टेस्ट की और स्मेल की प्रॉब्लम बनी रहती है। ये बहुत ही कॉमन है और इसमें कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि कितने दिन लगेंगे, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ हफ्तों से लेकर 3 महीने तक मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिसमें ये थोड़ा और लंबा खींच जाता है, लेकिन ये मान के चलिए कि 3 महीने तक आपकी समस्या 99% ठीक हो जाएगी। डॉक्टर संजय, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कोविड की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब लोगों के अंदर तीसरी लहर को लेकर एक डर है, और जैसा कि दूसरी लहर इतनी भयानक थी, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, तो कहीं ना कहीं एक डर, कुछ लोग जहां पे जो बहुत ज्यादा उसका जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, वो पीक कोविड के दिनों का बहुत ही खराब रहा है, तो अब एक अंदेशा, एक डर तीसरी लहर का उनके अंदर है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर आप? देखिए, कोरोना का अगर आप पूरे विश्व मानचित्र पर देखें तो कई ऐसे कंट्री हैं जहां 2-3 लहर आ चुके हैं, और जैसे आप दिल्ली का देखें तो दिल्ली में तो चौथा लहर था, क्योंकि कई लहर आए और चले गए, तो यह एक मन में चिंता सी होती है कि आगे आने वाले समय में एक लहर और आ सकता है। लेकिन आप कंपेयर करिए 2020 को और 2021 को, 2020 में हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं था, 2021 में वैक्सीनेशन हो रहा है, और जैसा कि सरकार बार बार कह रही है कि दिसंबर तक एक काफी बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन लग जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि इस वाले वेव में कई लोगों को कोविड हो चुका है तो थोड़ी बहुत हर्ड इम्यूनिटी आई होगी, और जो वैक्सीनेशन 60-70% लोगों को लग जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि थर्ड वेव नहीं आए। डॉक्टर संजय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर जीबी पंत अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडे से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIR NSDTalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।